Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing, and everything about online shopping. Hi guys, welcome back to another video about Shopify. और इससे पहले हमने काफ़ी सारे वीडियो Shopify के ऑलरेडी बना दिए हैं, जहाँ पे मैंने ऑनलाइन स्टोर, एप्स, डिस्काउंट एनालिटिक्स, कस्टमर, प्रोडक्ट्स, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है, होम पेज के बारे में भी कवर कर दी है। आज की वीडियो में मैं ऑर्डर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास ऑर्डर आता है तो उसको कैसे फुलफ़िल करना है, क्या क्या फील्ड्स को अपडेट करना है, सो दैट यू गेट कम्प्लीटली यूज टू द शॉपिफाई स्टोर और आप फिर अपना स्टोर डेवलप करके उस पर प्रोडक्ट्स ऐड करके सेल करना शुरू कर सकें। तो हम अभी आपको ले चलते हैं ऑर्डर सेक्शन में। तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स आपको अभी दिख रहे होंगे जो लेटेस्ट ऑर्डर्स नहीं है सारे, तो अभी हम एक टेस्टिंग ऑर्डर डालेंगे और देखेंगे कि वो ऑर्डर कैसे काम करता है। तो उसके पहले मैं आ जाता हूँ होमीकार्ट की साइट पे और यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट मैं लूँगा और उसको टेस्ट करूँगा, देखूँगा कि उसमें कैसे वर्क करता है, आपको दिखा देता हूँ। तो मोबाइल एक्सेसरीज़ में ये प्रोडक्ट है, अब सपोज़ ये प्रोडक्ट मैं इसको ऐड करता हूँ कार्ट में। अब ये कार्ट में मैंने प्रोडक्ट को ऐड कर लिया है और यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको मैं रिमूव कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने पूरी कार्ट एम्प्टी कर दी है। फिर से चलिए कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, वॉचेस में चले जाते हैं और कोई भी एक वॉच उठाते हैं यहाँ से। लेट्स से कि हम ये वाली वॉच उठाते हैं जो 690 रुपीज़ की है, ठीक है, ये वॉच 690 की है। अभी इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं यहाँ पर, चेकआउट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 150 रुपीज़ का यहाँ पे शिपिंग दिखा रहा है। तो जिसके पास भी ये रजिस्ट्रेशन होगा उसको एक कूपन कोड मिल जाएगा। तो कूपन कोड यहाँ पे जैसे ही हम डालेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपने आप -80 रुपीज़ जो है यहाँ पे डिडक्ट हो गए। तो वो करने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू टू पेमेंट मेथड करेंगे और ये ऑर्डर को प्लेस कर देंगे। यहाँ पे पेमेंट मेथड का ऑप्शन दिया गया है कि पेमेंट कैसे करना है। प्लेस एन ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर जैसे यहाँ, तो ये ऑर्डर पूरा हो चुका है। अब ये ऑर्डर आ जाएगा हमारे पैनल पे। तो अब ये ऑर्डर जो है हमें फुलफ़िल करना है। यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। अभी इसको पेंडिंग स्टेटस में दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी इसका पेमेंट जो है हमने मार्क नहीं किया है। चलिए इसके पेमेंट को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो हम इसको मार्क एज पेमेंट रिसीव करेंगे तो ये ऑर्डर नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा। तो अभी यहाँ पे उसको फुलफ़िल करना है। फुलफ़िल करने के लिए मार्क एज फुलफ़िल पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ट्रैकिंग डिटेल्स जो है वो ट्रैकिंग डिटेल्स यहाँ पे डालूँगा। अब यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आप कोई भी ट्रैकिंग डिटेल्स डालते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर्स वो अपने आप पिकअप करता है कि वो कुरियर कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ नंबर्स डाले, DHL दिखा रहा है। अब फिर एक आंकड़ा और मैंने दबाया, देखिए दो आंकड़े दबाए तो वो फेडेक्स दिखा रहा है। तो अपने आप वो पिकअप कर लेता है कि कुरियर कंपनी कौन है। तो ये मैंने करने के बाद यहाँ पे फुलफ़िल आइटम पे मैं क्लिक करूँगा तो जिसने भी ऑर्डर प्लेस किया होगा उनको एक SMS भी चला जाएगा और मैसेज भी चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज जो है वो चला गया होगा उनको। अब यहाँ पे खासियत यह है कि वो ट्रैकिंग नंबर पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं उसका ट्रैकिंग स्टेटस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करने से वो अपने साइट पे भी चेक कर सकते हैं, अपने यूज़र अकाउंट से भी चेक कर सकते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फेक डिटेल्स डाली थी इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे शो करेगा। तो ऐसे अपडेट करना है। यहाँ पे कमेंट सेक्शन जो है वो अपने पर्सनल रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, वो कस्टमर को नहीं दिखेगा। और यहाँ पर भी ऑप्शन रहता है कमेंट्स डालने का ऑर्डर फुलफ़िल करने से पहले, ठीक है, तो वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। प्लस यहाँ पे दूसरी एक खासियत ये है कि यहाँ पे पूरा एनालिसिस आपको दिखेगा, फ्रॉड एनालिसिस। अब यहाँ पे अगर कोई भी ऑप्शन रेड कलर में आपको दिखता है तो वो आपको ध्यान में रखना है कि रेड कलर में है तो क्यों है, क्योंकि रेड कलर इज़ एन अलर्ट फॉर यू। जब तक रेड में नहीं है तब तक आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे राइट साइड में आपको बेसिक एनालिसिस देखिए कि ये कितने ऑर्डर्स इसी मेल आईडी से आए हैं, इसी कस्टमर से आए हैं, ठीक है। दिस इज़ द फोर्थ ऑर्डर, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट विजिट वाज डायरेक्ट टू योर साइट, 13 विजिट्स ओवर 4 डेज, मतलब कितनी बार कस्टमर रिपीट हुआ आपकी साइट पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देगा। सो बेसिकली यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, इतना करने से आपका काम जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है और कस्टमर को उनकी डिटेल्स भी मिल जाती है। सो दैट्स इट, ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। और सारे ऑर्डर्स के जितने भी रिपोर्ट्स अगर आपको निकालने हैं तो ऑल ऑर्डर्स में जाके सिलेक्ट ऑल करके आप रिपोर्ट भी उसका डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, सो दैट्स इट इस वीडियो में, और ज़्यादा कुछ नहीं है. आई थिंक दिस कंप्लीट ट्यूटोरियल इज कंप्लीटेड. नाउ इफ देर इज एनीथिंग दैट इज पेंडिंग यू वॉन्ट अस टू लेट अस नो, मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में वीडियो भी बना दूंगा. अगर इस शॉपिफाई का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो आप डिटेल्स पेज में जाके, डिस्क्रिप्शन पेज में जाके लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हैं. वो एक एफिलिएट लिंक है जहाँ से अगर आप खरीदते हैं तो उसका कमीशन मुझे भी थोड़ा मिलता है शॉपिफाई की तरफ से, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. सो दैट्स इट, आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय.